गार्डनिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, गार्डनिंग करना बिल्कुल आसान है। यदि आप ठान लेते हैं कि आपको गार्डनिंग करना है और गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो आप छोटे छोटे मटके हों या कुल्हड़ हो या आपके घर पे कोई प्लास्टिक हो, जिस चीज़ में आप है, जैसे जैसे गार्डनिंग के शौक़ को बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप है जो आइडियाज़ आपको मिलते जाएंगे। तो वही आइडिया आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में, किस किस चीज़ में आप है जो प्लांट लगा सकते हैं, कैसे कैसे मैंने जो फ्री की ही चीज़ों में प्लांटर लगाए हुए हैं, प्लांटर बनाए हुए हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स, बिना स्वीप के। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। यदि गार्डनिंग का शौक़ है आपको और गार्डनिंग करना चाहते हैं, पैसे भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैंने वेस्ट चीज़ों का ही यूज करके अपने गार्डन को जो सजाया हुआ है। छोटा सा ही मेरा गार्डन है, सिर्फ एक दीवार के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, और एक जो बाहर है, जो घर के बाहर है, जो गली होती है, उसके अंदर कुछ पौधे लगाए हुए हैं, वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। कुछ आइडियाज़ आपको ज़रूर मिलेंगे इसमें। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, जितना भी मेरे घर में से वेस्ट निकलता है, यानी कबाड़ी को देने वाला सामान होता है, मैं उसको कबाड़ी वाले को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। क्योंकि जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की है, यूट्यूब से जो है गार्डनिंग सीखी है, प्लांटर लगाने की, कुछ कबाड़ से जुगाड़ वाले आइडियाज़ की, कुछ अपने आप से आ जाती हैं, और कुछ यूट्यूब से हमें जो है सभी की वीडियो से जो है नए नए आइडिया देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए, मैंने जो मटकी है, मटकी में प्लांट लगाया हुआ है, मनी प्लांट, और एक स्टैंड बनाया हुआ है बोटलों से और चकले से। ये मेरे पास ख़राब चकला जो है काठ का पड़ा हुआ था, क्योंकि अब काठ के चकले हैं, सभी के घरों में पुराने ज़रूर होंगे, तो उनसे मैंने प्लांटों के लिए स्टैंड बनाया है। और ये 1 लीटर की बोतल है, फ़िनाइल की बोतल थी, ये जो है वाइट कलर में ही थी, मैंने इस पर कोई पेंट वगैरह नहीं किया है, बस सिर्फ इस पर इमोजिन बनाई है, वो भी मार्कर आपको है जो 15 से 20 रुपए में है, जो किसी भी जो स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाते हैं। ये देखिए, मार्कर से ही ये DIY किए हुए हैं प्लास्टिक बोतलों पे, और पेंट वगैरह भी आप करके करना चाहें, जैसी आपकी कलाकारी हो, ड्राइंग वगैरह हो, वैसी ही आप कर सकते हैं। नहीं आती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिना पेंट किए हुए भी प्लास्टिक बोतलों का यूज़ कर सकते हैं। प्लांट लगने के बाद बोतल की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो प्लांट की खूबसूरती उस बोतल को अपने आप से है जो कवर कर लेती है। ये देखिए, किचन में वेस्ट एक डब्बा था जो ख़राब हो गया था, जिसमें जो है गर्म चीज़ डालने पे जैसे बुझ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उस डिब्बे में मैंने है जो प्लांटर लगाया, मनी प्लांट। और ये हैं जो हमारे पास स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, उन पे मैंने पेंट करके जो है बनाए हुए हैं, लेडी बग बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे जो छोटे छोटे स्टोन थे, जो ये आपको कहीं पर भी रास्ते में मिल जाते हैं, या जो करेशर वगैरह होते हैं उनके अंदर भी वाइट स्टोन वगैरह, वाइट नहीं तो ये सभी जो स्टोन आते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है उसमें भी जो है अच्छे अच्छे स्टोन होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पे भी आप इन्हें जो है कर सकते हैं, जो इमोजिन वगैरह बना सकते हैं, या इस तरीके से आप लेडी बग बना सकते हैं। ये 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल को DIY किया हुआ है, ये मैंने ऐसे ही बोतल है जो उसमें पानी डाल के, और मैंने जो है रोज़ है जो लगाया है कटिंग से, देखते हैं अंग्रेजी रोज़ है या अंग्रेजी गुलाब है, तो इसको देखते हैं कटिंग से हमारा ग्रो होता है नहीं होता है। ये मैंने दियो से मशरूम बनाई हुई है, और नीचे है जो फोल पेपर के अंदर जो एक गत्ता होता है उसका यूज़ किया हुआ है। आप कोई प्लास्टिक की जो पाइप होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या आप बोतल का भी यूज़ करके इस तरीके से मशरूम बना सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं छोटे छोटे DIY हमारे गार्डन में। ये खाली जो है 10-10 रुपए वाली पानी वाली बोतलें लटकाई हुई है। ये देखिए, चूड़ियों से मेरी बेटी ने बनाया था गार्डन में, फिर मैंने इसको हटाया भी नहीं, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में भी। और ये मैंने एक स्टैंड बनाया है, तो यदि आपके पास जगह की कमी है तो आप इस तरीके से भी हवा में भी प्लांटों को लटका सकते हैं। देखिए, एक दीवार पे ही मैंने इतने सारे छोटे छोटे प्लांटों को लटकाया हुआ है, क्योंकि जगह की कमी है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग अपना गार्डनिंग का शौक़ है उसे है जो मार देते हैं, कम कर लेते हैं, कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। जगह आप बनाएंगे, अपने अंदर एक जो है जुनून रखे, आपको गार्डनिंग करनी है तो जगह अपने आप से बनती चली जाती है। ये कल ही एक छोटा सा DIY किया था, ये जो प्लास्टिक का कंटेनर, इसमें प्रसाद आया था,
और इसमें मैंने इसको ढक्कन को कट करके इसमें पेंट वगैरह करके हमने जो है पर्पल हार्ट को बो दिया है। ये देखिए बिना पेंट किए हुए मैंने बॉटल लगाई है, ये भी बिना पेंट किए लगाया, बस इमोजिन बनाई है। तो आपको बिना ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कलरफुल डब्बे होते हैं उन पे तो हमें जो है पेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और मैंने वैसे भी ज़्यादातर जो डब्बे लिए हैं बिना पेंट के ही लिए हैं, क्योंकि गार्डनिंग करना एक शौक है, फैशन है, बहुत अच्छा लगता है। हरियाली कोई घर पे आता है उन्हें भी बहुत ही पसंद आता है। मेरी एक फ्रेंड आई थी मेरे घर पे, उसे मेरी जो है गार्डन है जो काफ़ी पसंद आया, हरियाली मेरे घर की बहुत पसंद आई। तो ऐसे ही सभी को हरियाली, कौन है जो जो नहीं चाहता हरियाली को देखना पसंद करना। आपकी आंखों के सामने दिन रात है, जो हरियाली दिखे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जगह की कमी का आप बहाना ना बनाए, कुछ प्लांट आप लगाने की कोशिश करें, जगह अपने आप से बनती चली जाती है, अपने आप से आइडियाज़ बनते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं दिमाग से। वो कहाँ पे कौन सा प्लांट है फिट करना है वो अपने आप से जगह को ढूंढ लेंगे, अपने आप से प्लांट है जो अपना जगह बना लेंगे। तो जगह का बहाना ना बनाते हुए आप भी गार्डनिंग करें और अपने प्लांटों को लगाएं। ये देखिए अपराजिता की बेल मैंने लगाई थी और ये जो डोरमेंसी में चली गई थी, ये काफ़ी सारे सीड्स है बंदरों ने भी निकाल दिए थे और काफ़ी सारे हैं अपने आप से पॉट में पड़ गए हैं। तो हम इन्हें ऐसे ही निकाल के पॉट में डाल देंगे, क्योंकि अब ये है जो इसका रूटिंग का टाइम है, यानी कि फूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कुछ साइड में तो आपको दिख ही रही है ब्रांच निकल रही है, नई नई ग्रोथ अब इसमें स्टार्ट हो गई है। तो ये सूखी हुई टहनी दोबारा से हरी भरी होगी कुछ दिनों के बाद, आपको अपडेट भी देंगे इसका। और ये मनी प्लांट में भी है जो फूटिंग स्टार्ट हो गई है और ये भी अच्छी सी बहुत सारी ग्रोथ है कर रहा है। तो मनी प्लांट और सिंगोनिया प्लांट आप यदि आप लगाते हैं कटिंग से तो बहुत अच्छे से अभी जो है चलने का टाइम है इसका कटिंग से। ये मैंने एक पाइप पीवीसी पाइप से और सीमेंट है नीचे, और नीचे एक 2 लीटर की प्लास्टिक बोतल में DIY प्लांटर बनाया था, और एक ऊपर आपको दिख रही है छोटी बोतल का ऊपर वाला हिस्सा यूज़ किया है। ये हमारा जो ऑयल कैन होता है 5 लीटर का, उसका हिस्सा है जो यूज़ किया है। ये मेरा जो हैंगिंग प्लांटर जो मैंने है नर्सरी से ख़रीदा था, और ये हमारा फ्री का ही स्टैंड प्लस प्लांटर, दोनों एक साथ हम बोल सकते हैं इसे। और ये काफ़ी सारे देखिए प्लांट है इसमें जो है ग्रो कर रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे प्लांट लगाए प्लास्टिक के जो छोटे कंटेनर होते हैं जिनमें है जो ज़्यादा जगह ना गिरे, प्लांट में ज़्यादा रूटे ना बने, इस तरीके के प्लांट का ही आप है जो छोटे छोटे प्लांट लगाए और पोट में। तो ये देखिए मैंने इसको देखिए किस तरीके से हैंग किया हुआ है प्लास्टिक की बोतलों से, और काफ़ी सुंदर लग रही है ये वाल देखने में, दीवार है जो। और ये देखिए छोटे छोटे प्लांट हैं हमारे, बड़े होंगे जब ग्रोथ होगी इनके नीचे तक लटक जाएंगे तो ये जो है इनका पोट है वो दिखाई भी नहीं देगा, और ये काफ़ी अच्छे से नीचे तक है, ये वाइन है 3-3, 4-4 फीट तक लटक जाएगी। ये पानी की बोतल है प्लास्टिक की, इसमें भी मैंने मनी प्लांट और सिंगोनियम प्लांट लगाया हुआ है, काफ़ी देखने में ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आपको भी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये आगे हैं हमारे बाहर वाले जो गली है, 2 गलियां हैं हमारे, एक साइड में ये गली है, इसमें जो है कोई आता जाता नहीं है। तो मैंने इस पे है जो कब्जा किया हुआ है, अपने प्लांटों को रखा हुआ है, फिर एक ही कबाड़ यहाँ पे जमाया हुआ है। तो ये देखिए जो मटका है उसमें मैंने है एलवेरा का पौधा लगाया था स्टार्टिंग में, और ये देखिए गेंदे में भी फूल लगने स्टार्ट हो गए, आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी ये सूखे पड़े हैं, इसमें खोदी लगाई थी हमने कल, और खुदाई का काम करने के बाद पानी में डालना भूल गई थी, तो आज हम इसमें है जो पानी डालेंगे, जो ट्रांसफ़र किया था एक दूसरे प्लांट को पोट में, खाली पोटों में, उसका भी हमने काम कल ही किया था। ये देखिए टमाटर के जो है भी फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, अब इसमें फल बनना भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी ही आपको इसकी भी अपडेट आपको देंगे। ये देखिए जो हमारा तेल का टीन आता है उसमें को 2 हिस्सों में कट करके भी मैंने प्लांट है जो लगाए हुए हैं, ये मैक्सिकन पिटोनिया है, इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी, अब भरमार फ्लावरिंग आपको गर्मियों में मिलेगी, ब्लू कलर में इसमें फूल आएंगे। ये देखिए सबसे प्यारा और सबसे बड़ा मेरे गार्डन का ये पेड़ है, ये क्रिसमस ट्री का, और बहुत ही प्यारा लगता है, मेरे फ्रंट है जो गार्डन के बाहर है जो रखा हुआ। फिर आ जाते हैं हमारे रोज़ प्लांट में, रोज़ का पौधा है जो गुलाब का, उसमें कितना प्यारा ये फूल आया हुआ है, ये देसी रोज़ है और काफ़ी जो है फूल अच्छा आया हुआ है।
और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। और ये हमारा विंका है, विंका में भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें भी यदि आप इसको लगाना चाहते हैं तो कटिंग से बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। ये गुलदाउदी है, गुलदाउदी भी दोबारा से हरी भरी हो गई है और बहुत सारी जो है नई नई ग्रोथ इसमें आ चुकी है। फ्लावरिंग हुई थी इसमें सर्दियों में। ये मैरी गोल्ड में भी ये फ्लावरिंग हो रखी है, तो आप भी ये फ्लावरिंग वाले पौधे लगाना चाहती हैं तो आप भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ही फ्री की चीज़ों में कबाड़ में आप लगा सकते हैं, बीजों से इन्हें ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी आप इन्हें आसानी से लगा सकते हैं। ये टूटा हुआ टब पड़ा हुआ था, प्लास्टिक की बोतल है और दही का जो शादियों में कैन आते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो कबाड़े वाले भैया से भी आप है जो ले सकते हैं, जो दही के कैन होते हैं, क्योंकि शादी होती है जिनके घर पर बहुत सारे टीन आते हैं वो ऐसे ही कबाड़े वाले को दे देते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अब डाल दिया इनमें पानी सभी प्लांटों में। ये था मेरा छोटा सा ही गार्डन और बिल्कुल ही बिल्कुल भी जीरो बजट में मैंने गार्डनिंग की है। गार्डनिंग की शुरुआत करें जब थोड़े से ऐसे प्लांट आप ले फ्रेंड जो हमारे कम केयर में चलते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो गार्डनिंग आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।